बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? नाज़रीन, अल्लाह के फ़ज़ल करम से आप सब बहुत अच्छे होंगे, अल्लाह के अमान में होंगे। आज आपकी खिदमत में हम गायनेकोमेस्टिया, जो एक कंडीशन है, जो एक बीमारी है, जो सिर्फ मेल हज़रात में पाई जाती है, उसके बारे में वीडियोज़ लेकर आए हैं। देखिए, आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से, जैसे एक ख्वातीन के ब्रेस्ट साइज जो उभरे हुए होते हैं, जो एक नॉर्मल कंडीशन है, लेकिन कई मरतबा आपने देखा होगा कि मर्द हजरात, बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जिनके ब्रेस्ट साइज, जो उनका चेस्ट होता है, उसके चेस्ट के आसपास इतनी ज़्यादा चर्बी भर जाती है, जिसकी वजह से वो कंडीशन बिल्कुल फीमेल के ब्रेस्ट साइज की जैसी दिखती है, जो बहुत बदनुमा और भद्दी मालूम होती है। और लड़के भी कई मरतबा उनको बड़ी बेचारगी और मतलब अजीब सी कैफियत अपने अंदर महसूस होती है, और वो बच्चे बड़े परेशान होते हैं वो, और इतनी शर्मिंदगी का उनको कई मरतबा सामना करना पड़ता है, वो इनसिक्योर फील करते हैं। और कई मरतबा तो लड़के कहीं आना जाना भी जल्दी से पसंद नहीं करते, वो सोचते हैं भाई जल्दी से जल्दी ये जो प्रॉब्लम है ये दूर हो जाए। देखिए, ये जो 16 से लेकर 18 साल तक की अक्सर ये नॉर्मल देखने में आती है कि बच्चे जो चर्बी का तला हुआ और बाहर के जो बर्गर्स होते हैं, पिज़्ज़ाज होते हैं, ये सब खा लेते हैं और एक्स्ट्रा कैलोरीज इंटेक करते हैं, जिसकी वजह से ये चेस्ट पे फैट जम जाता है। लेकिन बिल्कुल घबराने की बात नहीं होती, ये अक्सर 19 से 20 साल होते होते खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। लेकिन कई मरतबा ये कंडीशन लंबी हो जाती है, 20 से 25 साल तक की खिंच जाया करती है। जो ये खिंचती है ना, जो ये एक बीमारी है, इसका नाम है गायनेकोमिस्टिया। तो इसके लिए बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई, जो भी जिसको भी ये परेशानी है, जो प्रॉब्लम हो, वो बहुत जल्द आप ख़ुद दूर कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। मैं आज आपको जो एक्सरसाइज और जो अमल बता रही हूँ, इंशाल्लाह आप उसे पूरी ध्यान और यकीन कामिल के साथ करेंगे तो 1 वीक में आप देखेंगे कि आप कितना, आपका जो फैट है, जो एक्स्ट्रा फैट वहाँ जम रहा है, जो कैलोरीज आप इनटेक ज़्यादा करते हैं, उसकी वजह से वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको करना क्या है। तो सबसे पहले आपको अपना चैनल, जो आपका अपना चैनल है हिजाब वज़ाइफ चैनल, प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोज़ को लाइक करिए, शेयर करिए। और जब भी आप सब्सक्राइब करें तो प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाइए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि हमें आपकी नोटिफिकेशन नहीं मिलती आपकी वीडियो की। तो प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। और जो नए लोग हैं और जो हमसे जुड़ रहे हैं और जो जुड़ चुके हैं, सब हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं तहे दिल से। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। चलिए मैं बताती हूँ आपको करना क्या है। आपको करना ये है कि ऐसी कंडीशन में सबसे पहले तो आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज बिल्कुल बंद करनी होगी, आपकी डाइट पर पूरा आपको कंट्रोल करना होगा। हर रोज़ के जो एक्स्ट्रा कैलोरीज आप लेते हैं अपने जिस्म के लिए, जो वो एक्स्ट्रा बन के, चर्बी बन के आपके जिस्म के जगह जगह हिस्सों पर जम जाया करती है, आपके ब्रेस्ट साइज पे जम जाया करती है, तो प्लीज़ उस जगह के लिए वजह से आपको कैलोरीज बिल्कुल ख़त्म करनी है। अपनी लाइफ में बिल्कुल सादा खाना लेके आना है आपको, एक्स्ट्रा कैलोरीज वाला कोई खाना नहीं लेना, चर्बी चिकनाई वाली चीज़ बिल्कुल आपको बंद कर देनी है, तला हुआ और ज़्यादा मिर्च वाला सामान बिल्कुल बंद कर दीजिए। और आपको एक एक्सरसाइज करनी है, पुशअप, आपको रेगुलर पुशअप दिन में 3 मरतबा करने हैं, कम से कम 15 से 20 पुशअप आपको डेली 3 मरतबा तो आपको ज़रूर करने हैं, ठीक है, उसको बिल्कुल अवॉइड नहीं करना है। और आपको जो अमल करना है वो अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ, हर नमाज के बाद अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ या अल्लाह या सलाम, वो आपको पढ़ना है 100 मरतबा, पढ़कर पानी पर दम कर दीजिए और उस पानी को पी लीजिए। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि उसकी बरकत से कैसे आपकी जो एक्स्ट्रा चेस्ट पे जो आपकी फैट जमी हुई है, जो ये बीमारी आपको लगी हुई है, वो इंशाल्लाह बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और जो आपकी जो शेप है एक बॉडी की, जो जाहिर सी बात है जो ख्वातीन अपनी परफेक्ट बॉडी चाहती है, उसी तरह से मेल हजरात भी ये चाहते हैं कि उनकी परफेक्ट बॉडी रहे, बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल सही तरह से चलती रहे। तो बिल्कुल परेशान मत होइए, यकीन कामिल के साथ करिए, आपको इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर हासिल होगी। और दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए, आपका अपना चैनल हिजाब वज़ाइफ चैनल। अल्लाह हाफिज़।